साहब राम 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 सारे भाई ना जुड़ कौन है हमारे दर्शका जी बता भाई। मैं तो गरीब किसान घर से मैं गरीब सा हूँ बबलू मिर्च परमरा नाम से। बबलू आड़े के कण पहुंच गया इतनी दूर भाई? दूर कड़ा है हरियाणा है पंजाब है मारा है भाई देश तो मारा है नहीं पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके तो आया गुंदरा हमारा देश है हमारा देश में मुद्दा के है ये मुद्दा भाई मारा यो है जो सरकार जो बात मुकरी थी ना जो हमारी जो मैन मांग थी जो पहला जो किसान दोनों आता उस टाइम तो भर ली थी हाँ भरी भाई दिया करा एमएसपी है कहाँ है दिया कैसे क्या रह मतलब है क्या कमी क्या रहेगी पब्लिक जो देखो बबलू भाई मेरा सवाल के है हरियाणा की जो पब्लिक है ना जो आम जन है उनमें नहीं बेरा के रोड़ा चल रहा है उन तक यह बात पहुंचा रोड़ा केस है यो रोड़ा भाई मैं तुम्हारा एमएसपी का है जो लखीमपुरी में जो हमारे भाई शहीद हुए थे उनका मुआवजा का है एक जो हमारे नरेगा है जो भाई है जो दिहाड़ी ने शोधन की है सालाना वह 200 दिन की होनी चाहिए हर रोज के 700 रुपये होनी चाहिए किसान मजदूर की साझा लड़ाई चल रही मेरे भाई साझा लड़ाई है साझा तो हरियाणा अब की बार इस किसान आंदोलन में कितना साथ है अपने भाई मेरी बात सुनो मैं बताऊं आप नगर जब पूरे जाओ ना थोड़ा 500 मीटर चल लोगे अगर हरियाणा है जी अगर जब बैरिकेड क्रॉस करोगे ना प्रलापन वो सारा हरियाणा खड़ा है कम से कम 7-8 हजार युवा जो हरियाणा के वहां बैठ में बुद्ध को खड़े पंजाब है पहला छाती में गोली खाऊंगे कहते ना बैरिकेटर अब की बार भाई मैं कहूँ अब की बार थोड़े कमजोर से पहला तो और मजबूत थे बैरिकेट हम भाई इनकी 5-5 फुट के बैरिकेड लगा रहे हैं स्त्रियां मैं तो 50-50 फुट के बैरिकेड लगाओ ताकि जो हमारे टैंक है ट्रैक्टर जो खड़े हैं तो इनका दम का बेरा पट है। हाँ भाई की बार तो भाई कहा सरकार ने पहला तो 7.5 से किसान हमारे शहीद करे थे अब की बार 7.5 लाख भी हमारे किसान भाई शहीद होने खतर तैयार है छत्तीस गोली खाने खतर तैयार है हमने सिर्फ हमारे हक चाहिए किसी भी कीमत एक हक और भी है एक करोड़ा कई दिन से हाँ, भी लड़न लाग रहा है 66 पे चल रहा हो तो भाई फिर उसका भी क्या रोड़ा उसका मैं बता दूं भाई जो आप एसवाईएल के जो बात करो राजनीति खातिर है जो हमारे पंजाब के भाई इनका हाथ में को नहीं आपका तो हाथ में को नहीं होगा एसवाईएल द्वारा सरकार का हाथ में भाई सरकार दो पानी इस इनका हाथ में और सबसे बड़ी बात सरकार ने वो पानी किसान का है नहीं वो इंडस्ट्री एरिया का सारा पानी हाँ भाई और दूसरी बात सरकार देगी पानी किसान थोड़े देंगे ना तो आपका हाथ में ना इनका हाथ में ना मेरा हाथ में सपोर्ट तो करेंगे कल अब हम ये तो राज्य है दे दो अगर जब यहाँ पानी है तो भाई राज्य बताओ राम राम तो सरकार ने कहो ना सरकार का लखुट्टा बचाओ आप जाए कहने हाँ भाई किसान थोड़ा देगा वो पानी सरकार देगी वो पानी तो ये साथ में होंगे हमारा गल्ले तो हमारे भाई हैं भाई सारी ये बात है मामते ने गल्ला है आज भी इनते पहला छाती अटैक खड़े हैं कितने अब कितने किसान इसे हैं जो हाल फिलहाल घायल हो रहे हैं हॉस्पिटल में हैं फिलहाल भाई खूब आज में सैकड़ों किसान है जो हमारे भाई को चोट लग रही है किस तरह की चोटें लगी भाई किसी टांग टूट रही है किसी का बांह टूट रही है किसी का सिर बैठ रहा है कैसे ये भाई सरकार ने अपने जो एजेंडे जो कोरोना का ना भाई इसने आंदोलन उगर कर दिया उगर दिखा दिया यदि पत्थरबाजी जो हुई है हमारा किसान ना उसके साथ में कोई लेना देना को नहीं वो जो पत्थरबाजी हुई है सरकार का एजेंडा था सारा का सारा और ना किसान की तरफ तो कोई भाई पत्थरबाजी करी गई है आपका कहना मतलब यो है कि वे जो पत्थरबाज जो थे वे उन्हीं के पहली बात तो होंगे 5-4 होंगे है ना और दूसरी बात जो बदनाम जो करने लग रही है ना सरकार भाई किसान पत्थरबाजी करी किसान की तरफ तो कोई पत्थरबाजी को नहीं हुई मन बिल्कुल जो प्रेम पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके का अपना आंदोलन चला रहे हैं और भाई सरकार से यह विनती है जुड़कन जो आज मीटिंग जो चल रही है कि भाई जो मांग से हमारी जमा जायज से मां भी देश के किसान है 75 साल हो गए देश नजाद हो 76 साल लग रहा है हाँ भाई पहला जो गोरे अंग्रेज जब राज करे ना हमारे खतरे तो वही ठीक थे तो काले आ रहे हैं हाँ भाई जमा पटपड़े खाने लग रहे हमने वही काम हो रहा है उन तो बुंडा काम कर रहा है हमारे भाई कड़िया नकड़िया जब तो बोलने की तो आजादी थोड़ी बनी तो बोलने की भी आजादी को नहीं मारे टैक्स पेयर के रुपया आता है मारे आते हैं मारे भाई खड़े कर रखे हैं कुछ जैसे पर्सनल आदमी कुछ टीम एक मैं कहूंगा बबलू मिर्जपुर की अपनी खुद की भी है कि एक कॉल पे बबलू मिर्जपुर की भी कुछ आदमी से हैं जो आके खड़े उसके हैं आके नहीं भाई जमा छाती में गोली खानी है सारे के सारे क्रांतिकारी भाई जमा भाई मामने महाराज दर्श भगत सिंह और माम तो उनकी उलाद है भाई भगत सिंह और की जी बिल्कुल राजनीति से कोई मतलब नहीं ना ना भाई राजनीतिक नेता पहला भी आए हैं आगे भी आऊंगे नेता आऊंगे जाऊंगे सरकार बदलेगी आज या तो कल ना दूसरी आओगी मगर व्यवस्था तो कौन बदली आज तक किसान की व्यवस्था तो नहीं बदली भाई बबलू मिर्जपुर भी किसी राजनीति पार्टी के संपर्क में है ना ना भाई दिखा दो आप अगर जो कोई भी नेता होगा कंधा हो भाई मैंने किसी पार्टी का झंडा उठाया हुआ आज तक ना हमने पार्टी पसंद है हमारे खाते तो सारे नेता बराबर सारे के सारे तो लग रहा है आगे एकदम ना ना भाई मजबूत कर लिया ऐसा काम ये तो आपके सामने जो भाई करा है ना राजनीतिक में उनको अगर जो करा भी है राजनीतिक तो अच्छी बात है मगर वो जब राजनीतिक में चले जाओ मगर और किसान ने भूल जाए किसान का नाम पर वोट तो जरूर ले ले हैं जिस तरह हमारा इसने
दुष्यंत लिए थे, किसाना का नाम पर वोट तो ले गया मगर किसान का भला तो कोई नहीं करा। दुष्यंत की नजर में हो लगातार आप उनको टारगेट करो भाई, पर कर लेगा दुष्यंत को जो अनुभव होगा। हाँ भाई कर लेगा जो भी उनको होगा। हम नहीं डरते भाई किसी से भी, हम तो मोदी तंत्र दे, पहला तो मेरे भाई मोदी के कोई बिरगड़वाए थे, अब की बात ना कर दिखवावांगे। ये नु कह रहा है दुष्यंत, तो ये कह रहा है कि जेजेपी पहले से बड़ी मजबूत हुई है किसान आंदोलन की। ना ना मेरे भाई, और चाइना की सीट से 2000 करोड़ 2000 वोट ले दिखा दी, और था इतनी माड़ी जमाड़ी, मैंने कहूं जमा घसीटनी होगी अब की बात तुम्हारे भाई माड़ी माड़ी ने जमा 2000 वोट लेके दिखाई दियो। डिप्टी सीएम जो बढ़ रहा है ना, जो सरकार में जाके बैठा है, जो हमारे वोटा का बढ़ रहा है। मामला जो थे किसान का बालक से क्रियान क्रियान भला करेगा, जाके इन संघिया में बैठ गया। हाँ भाई वो मामे ने तो खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, वो दूसरे मामला कहने लग रहा है। लड़ाई भाई आयो आर पार है, सरकार हमारी जो जायज बात सुनने मान लो, और नहीं सरकार जो अपना जो कर दियो अपना कर लेगी भाई। दिल्ली जाकर टका देश का किसान 100% तो हमने साथ कितनी देनी पड़ जियो हमारी तरफ है ना। हमने पहले गलत किया ना, हमने ईब गलत किया, सरकार आंदोलन बदनाम करने की कोशिश कर रही है बिल्कुल। इस वीडियो को ना हरियाणा की जनता सबसे ज्यादा सुनेगी क्योंकि चैनल हरियाणा का है। हाँ। क्या कहोगे? तो भाई मैं तो सारे भाइयों का जुड़कर अपील करूँ, बाकी सारा है रहा जो से भाई घर रह रहे हैं, अगर जे भाई अगर जहाँ पूरा नहीं पहुंच सकते तो भाई कम से कम सोशल मीडिया पर आवाज जरूर उठाओ भाई। तम कड़िया नकड़िया अगर किसान नहीं, किसान के दाने तो खाते हो गए कड़िया नकड़िया, थोड़ा अपना छोटा फर्ज निभा दो भाई। जय भाई। हाल फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ था किसान नेता, नेता तो मैं नहीं कहूंगा।